राजस्थान नागौर जिले के भाकरौद सड़क मार्ग पर बीती रात को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना में बोलेरो कैंपर में बैठे 5 से 3 जनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 जन गंभीर रूप से घायल हो गए। एक को हाई उपचार के लिए नागौर रेफर किया गया। मृतक 2 मुदियाड़ व 1 गोवा का है। सूचना के बाद खींवसर पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को खींवसर की मोर्चरी में रखवाया। कृष्ण कुमार यादव RPS प्रोफेसर ने बताया कि 8 मई को 11:40 पर सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर भाकरौद सड़क मार्ग पर हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को कब्जे में लेकर खींवसर की मोर्चरी में रखवाया। जो भी आता है मानुपुर गुड़ा मानुपुर आते समय अपन भाकरौद तेल भरियो सा तेल भराते समय निकले एडजस्ट उस समय टेलर ना के उनको टक्कर मार दी। तब इन 3 लोगों की उसी समय मौत हो गई थी और 2 को एक नागो रिप गया था एक क्यों से इधर है। हाँ, 3 की मौत हुई। उसका नाम एक तो गोमा का था नारायण राम और दूसरा था मुंदियाड़ के 2 थे उसका नाम एक था सुखराम लोहार और दूसरा था अपने ये सोनू। उनकी मौत हो गई थी। कल दिनांक रात को 11:30 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि भाकरौद और टाकला के पास एक पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रेलर और एक बोलेरो कैंपर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोग ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। मैं कृष्ण कुमार यादव RPS प्रोबेशनर, मैं जाप्ता रामचंद्र जी ASI मुकेश जी सब इंस्पेक्टर सब लोग मौके पर तुरंत पहुंचे। जो लोग मृतक थे उनको हमने खींवसर मोर्चरी में पहुँचवाया। जो घायल थे उनको तुरंत हमने एक को मनाराम को हमने पहुँचवाया जेल एन नागौर हॉस्पिटल और दूसरे को हम लेकर आए खींवसर हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उन्हें तुरंत उपचार शुरू किया गया जो अभी स्वस्थ हैं और संबंधित परिवार वालों को सूचना दी गई और सुबह इनके पोस्टमार्टम के बाद इनकी जो शरीर है उनके परिवार वालों को सपोर्ट कर दिया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।